तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा, इसलिए मैं फेल हो गया। अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं क्या वो इंसान ये गलत काम करेंगे। और मोहब्बत की हुंदी चले अजीनू जी हुंदी। अज दी वीडियो दे विच डॉक्टर जाकर ने कोल पहुंच चुकी है एक एक्ट्रेस, ते ओ पूछ रही है एक सवाल जिदा नाम है यशमा गिल। देखते हैं सवाल की है ते डॉक्टर साहब ने ओदा की जवाब दिता है। लेट्स वॉच दिस वीडियो आउट, आज देखिए। जी हां बहन, आप सवाल पूछ सकते हैं। सुनो वीडियो। हां अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जायक। वालेकुम जायक। आपका नाम? जाकर नायक। माय नेम इज यशमा असद गिल एंड आई एम एन एक्ट्रेस। आपका नाम क्या? यशमा असद गिल। यशमा असद गिल। यशमा असद गिल। जी हां। ओके I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's. But alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my I'm literally shaking right now. I'm so sorry. You're okay, so the question is, it's obvious, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and jinnat having free will, right? So agar sab kuch pehle se likh diya gaya hai, ab kuch agar sab kuch predestined hai, to jo concept hai ki agar ek chor kahin pe chori karta hai to wo to pehle se nahi likh diya gaya tha, usko uski accountability ਉਹਨੇ ਦੱਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਮੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ। ਬਹਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਐਥੀਇਜ਼ਮ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਸੈਟ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੀਨ ਕੀ ਤਰਫ ਰੁਜੂ ਕੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है, आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुबहाना व ताला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा ना दे दे मुझे, मैं काफिर हूं। अल्लाह सुबहाना व ताला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार, 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल कालू इन्नोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल उनसे कहो, यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि ये क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल कहो कुल, उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाह वाद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं या हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौसबिल्ला, अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह।
नोस पहला। इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफी तहकीक की लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला फिर मैंने उलमा से पूछा, सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकेंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा, माफ करना आपको मिसाल बोल रहा हूं मिसाल आपके लिए, और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकेंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया, क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? नो। हाँ क्या नहीं? नो। नहीं, टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, जहीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था, तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की। और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती है। इसी तरीके से अल्लाह सुभान व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है, अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो चार में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर एक सड़क, नंबर दो सड़क, नंबर तीन, नंबर चार, वो चुनता है नंबर दो सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? या एब्सोल्युटली। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला को इल्मे गैब है, ये 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1:15 ये चौराहे पे आएगा, उसके पास चार चॉइस थे, सड़क नंबर एक, सड़क नंबर दो, सड़क नंबर तीन, सड़क नंबर चार। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर दो चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1:15 सड़क नंबर दो पे चुनेगा। तो सड़क नंबर दो किसने चुना, अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी, वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है, वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए, वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं क्या वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुभाना व ताला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर सकते या ईमानदारी से, आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है, सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर,
अल्लाह सुभान व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं ये तारीख को, आप फेल हुई हैं। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं? अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुबहाना व ताला ने आपको इख्तियार दिया है, 100% नहीं, 95% 90, मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सही है। एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, डॉक्टर जाकर नायक ने बहुत ही सोना जड़ा जवाब दिता है। हालांकि जड़ा एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन सिर्फ इस कुड़ी का नहीं, यह शायद हर धर्म के जिन्हें भी बंदे हैं ना, सारे धर्मों के चीज़ ऑलरेडी मैनशनड है, पर उस चीज़ को समझते हैं आप गलत ऑलरेडी, क्योंकि मोस्ट एक बहुत वड्डी कहावत है साढ़े इधर, ये कहते हैं कि रब की रजा तो बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, ये शायद मैंने थोड़े नहीं, मैंने पता कि थोड़े तो उधर आम जिंदगी दे विच इनू इस मुहावरे को वरतते हैं या नहीं, पर इस मुहावरे को ना आप बड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि रब की रजा तो बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नो डाउट कि सारी कुदरत है जी और रब के बनाए हुए एक निजाम दे विच चल रही है, कितने भी जो कुछ भी होंदा तां वो रब नू ऑलरेडी पता है कि इत्थे आ चीज़ होनी है। ठीक है, ते पर उस चीज़ नू आपां समझण दे गलत आ, लाइक हुण लोकी उस चीज़ नू जस्टिफिकेशन देंदे है, मान लो किसी का उन्हें कतल करता, कोई चोरी करती, तो वह जड़ा ही कि वो जिम्मेदार कौन है, वह कहें कि रब ही जिम्मेवार है, अल्लाह उन्हें ही कराया, तुम आप ही कहने कि वो बिना मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर कहता मैं किवें कर लिया ये तो उन्हें करवाया मेरे तो, है ना। तो यही चीज़ है, ये एक बहुत सोहना जवाब आ कि ये फ्री विल है, आपू दिमाग दिता रब ने, आपू सोचन की शक्ति दिती है, चंगे माड़े की पहचान दसी आपू कि चंगा की है माड़ा की है, फिर आपू सारे धर्मों के हर धर्म के धार्मिक ग्रंथ के दसिया भी है कि चंगी चीज़ा कि चंगी गल्ड माड़िया चीज़ा कि माड़िया गल्डिया, तो उन्होंने हूँ चूज़ करना वो साढ़े हाथ ज, तो फिर जो असं चूज़ करके फिर जस्टिफिकेशन इदा नहीं देनी कि हाँ मैं तो शराब पी सकता क्योंकि रब की रजा दे विच ही हुंदा सारा कुछ, है ना। तो उ फिर लोगों को साढ़े जिहड़े लीडर है उन्होंने समझाना नहीं आता, क्योंकि हर कोई बंदा चंगा स्पीकर नहीं हुंदा। जे गुरुद्वारे का कोई ग्रंथी है तो यह मतलब यह नहीं कि वह तुहानू बहुत सोहनी कथा करके सुना सकता, किसी मंदिर का कोई पुजारी है तो यह मतलब यह नहीं कि तुहानू बहुत वधिया कथा सुनाऊगा, किसी मस्जिद का कोई मौलवी है यदा मतलब यह नहीं कि वह तुहानू बहुत स्टीक एक सही ढंग समझा सकता। ठीक है, उस तरह क्रिश्चियनिटी के भी कोई इदा का पादरी नहीं जो बहुत चंगे तरीके समझा सकता, एक कोई कोई होंगे, कोई कोई चंगे स्पीकर होंगे है, कोई कोई तुहानू टू द पॉइंट तुहाडे खाने दे विच गल नू पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल डॉक्टर जाकर नायक उन्होंने एक है, अली मिर्जा उन्होंने एक है, साढ़े इधर जेकर गल करिए मैं मोस्टली कई गलों एग्री करदा भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले। ठीक है, तो जो हिंदू धर्म की गल करें तो मैं नाम नहीं याद आ रहा, बट है काफ़ी सारे ने जोड़े बहुत वधिया तकरीर करते हैं, तो काफ़ी सारे इदा भी है जो लोगों मतलब गलत राह पाते हैं, सिर्फ आप जेबा गर्म करने लिए आप वाह वाह कराने लिए ये चीज़ा कराते हैं। तो देखो एक सिंपल जी गल है कि इंसानों के कोल फ्री विल है, तुम चंगा करोगे तो आप कहते नहीं कि चंगे कर्मों का चंगा नतीजा, है ना, कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर,
ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਲੇਖਾ ਚੁੱਕਾ ਇਟਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਚੱਲ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਜਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ